गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन में कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन होता रहता है, तो इस तरह से आप मैंगो मेलन स्मूदी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है और इसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, दोनों ही तरह से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रही हैं राजरानी कुकिंग वर्ल्ड और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही झटपट और बच्चों की फेवरेट मैंगो मेलन स्मूदी। वैसे तो इसे आप गर्मियों में ठंडक के लिए बनाते हैं कि खाने के बाद आपको ठंडक मिलेगी, लेकिन इसके बहुत से फायदे हैं। आपकी स्किन की बहुत सी समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, स्किन ग्लोइंग और हेल्दी रहेगी, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीजनेबल फूड्स इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है, तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं सब्जा, जिसे फालूदा में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और आपको वेट लॉस में भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक चम्मच लिया था और ये भीगने के बाद डबल हो जाते हैं, तो एक चम्मच ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ठंडक पहुंचाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम अपनी हेल्दी डाइट में कर सकते हैं। इसे आप 1 से 2 घंटे भिगाकर रख सकते हैं और इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मैंगो लिया है और जो हमने मस्क मेलन लिया था इसे कट करके लिया है और इसको भी हम कट कर लेंगे, तो दोनों से ही स्मूदी तैयार करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपने स्मूदी में करेंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे हमने इस तरह से छील लिया है, अब हम कट कर लेंगे। वैसे तो आप बहुत तरह से अलग अलग तरह से इससे स्मूदी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से आप बना कर रख लें और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और इसे अब हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे और कुछ पीसेस हम बचा कर रखेंगे, तो इनसे हम हमारी स्मूदी में गार्निशिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ बादाम लिए थे और 4 से 5 खजूर लिए थे जिन्हें हमने कट करके और भिगा कर रख दिया था, और 2 चम्मच हमने चीनी ली है। तो जो हमने मेलन और मैंगो लिए हैं दोनों ही मीठे हैं, तो हमने चीनी कम इस्तेमाल की है। यदि ये कम मीठे हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो बादाम भिगा कर रखे थे वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बादाम और खजूर को हमने चिया सीड्स के साथ ही भिगा कर रख दिया था, तो इसे भी हमने ज़्यादा नहीं भिगाया है, बस 1 घंटे ही हम भिगा कर रखेंगे और इन्हें पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ही पीसेंगे और इसके बाद हम इसमें मैंगो ऐड करेंगे। तो इस तरह का हम इन्हें पीस कर तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम ये मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हमने मिल्क ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही इन्हें पीस कर तैयार कर लेंगे। मिल्क के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन ऐसे भी आप इन्हें तैयार कर सकते हैं और इसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो इस तरह की हमने यहाँ पर बाउल ले ली है, इसमें हम सर्व कर लेंगे। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर जो सब्जा के बीज लिए थे वो हम ऐड कर देंगे और इसके बाद जो हमने मिक्स लिया था वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जब हम सर्व करेंगे तो ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, तो मिल्क के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से बनाया है कि इसे आप खा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ बादाम और पिस्ते कट करके लिए थे, तो इस तरह से जब गार्निशिंग करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी देखने में और बच्चे तो सारा ही खा लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और आप अपने पसंद के अनुसार इसे गार्निशिंग कर सकते हैं और भी टेस्टी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा सिरप भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, या फिर आप इलायची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। हम इसी तरह से इसे
सर्व करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ मैंगो और मेलन के पीसेस लिए थे तो वो भी लगा दिए हैं, थोड़े से हमने खजूर के पीसेस लिए थे वो भी लगा दिए हैं। तो इसके बाद तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है, जिस तरह से हम मार्केट वगैरह में खाते हैं ना, उससे भी बढ़िया घर में ही बनके तैयार है झटपट से। तो इसे आप बना सकते हैं और गर्मियों में बहुत ही टेस्टी और ठंडक देने वाली है। और ऊपर से हमने थोड़े से सब्जा के बीज इस तरह से और डाल दिए हैं। इसके बाद तो ये बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसे झटपट से आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से यदि आप इसे सर्व करना चाहते हैं तो इसमें आप आइसक्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हमने वीडियो में आपको दिखाया है कि किस तरह से सर्व करना है। वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ भी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्स है वो हमने एक ग्लास में ले लिया है और इसमें हमने 1 से 2 चम्मच सब्जा के बीज ऐड किए हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो 1 से 2 पीसेस हमने मैंगो के ऐड किए हैं और इसके बाद इसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और लास्ट में हम ऐड करेंगे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आप कोई से भी फ्लेवर की ले सकते हैं, यहाँ पर हमने वेनिला फ्लेवर की ली है, इससे ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आइसक्रीम के साथ और भी टेस्टी लगेगी। और थोड़ी सी हमने टूटी फ्रूटी भी लगा दी है और लास्ट में हम ऐड करेंगे सिल्वर बॉल्स। तो आपको जैसे भी पसंद है आप गार्निशिंग कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो जो सब्जा के बीज हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं और मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।